हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूँ रुचिका और आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूं एक फ़र्स्ट एड बॉक्स का वीडियो एंड uh, मैं आपको बता दूं कि ये uh, जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसमें मैं uh, मतलब uh, इसको ही मैंने फर्स्ट एड बॉक्स बना रखा है अपने घर के लिए एंड इसी में सारा सब कुछ मैं रखती हूँ एंड जो बॉक्स अभी मैंने आपको दिखाया वो था मोबाइल बॉक्स से बना हुआ फर्स्ट एड बॉक्स एंड इसको मैंने अपने बेटे के स्कूल uh, प्रोजेक्ट के लिए रेडी किया था एंड अभी उसमें uh, मैंने सुई धागे का डब्बा बना रखा है तो अभी आपने देखा कि uh, इस तरीके से मेरी यहाँ पर सारी मेडिसिन वग़ैरह इसमें uh, रखती हूँ मैं एंड uh, चलिए बॉक्स मैंने खाली कर लिया है इसको अच्छे से वॉश कर लिया है वॉश करके इसको uh, वाइप कर लेंगे एंड uh, अब इसको कलर वगैरह करके हम रेडी कर लेंगे एक बढ़िया सा अपने लिए घर के लिए uh, फर्स्ट एड बॉक्स तो अगर आपके पास इस तरीके का प्लास्टिक का डिब्बा नहीं है तो आप ऐसा कोई बॉक्स ले सकते हैं जो कि टीन का होता है एंड इसमें चॉकलेट्स वगैरह आती हैं गिफ्ट में तो ये भी आप ले सकते हैं इसमें भी स्पेस और मतलब ठीक रहता है ये भी इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो आप ये वाला जो बॉक्स है इसमें दो तरफ से खोलने वाला ऐसा बना हुआ था पकड़ के तो एक साइड थोड़ा सा टूट गया है तो मैं इसको पूरा ही निकाल के मतलब तीन जैसा तीन तरफ है वैसा ही कर लिया है एक तरफ पकड़ के खोलने वाला हो गया है तो यहाँ पर मैं जो वुड पेंट होते हैं ऑयल पेंट उनका यूज़ करूँगी बट जब मैं ये शॉप से लाई ना तो मैंने देखा ये तो मैंने वाइट मांगा था ये ब्राउन कलर दे दिया बट मैंने सोचा ऐसा तो नहीं कि ऊपर ऑयल ऑयल हो नीचे पेंट हो तो मैंने उसको मिक्स करके देखा एंड ये वाइट था तो आप भी अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी होता है तो परेशान मत होइएगा मिक्स कर देंगे तो आप जो कलर चाहते हैं वो नीचे से आ जाएगा तो देख सकते हो आप अच्छे से इसको मिक्स किया है मैंने करीब दो मिनट अच्छे से मिक्स किया है तब जाके ये बिल्कुल वाइट हुआ है एंड uh, अब इसको हम पेंट कर लेंगे बॉक्स uh, को तो ये ऑयल पेंट है एंड इसको ब्रश uh, को बार बार धोना ना पड़े इसलिए मैं एक बार में ही दोनों बॉक्स एंड जो ढक्कन है इसका एक बार में ही कलर करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे मैंने इसको किया है एंड बिना हाथ में पेंट लगे हुए तो पहले मैंने पीछे की साइड किया है किनारा मैंने छोड़ दिया था एंड उसके बाद मैंने पलट के पीछे की साइड कर लिया एंड इसके बाद मैं किनारा कर रही हूँ इसका एंड यहाँ पर मुझे क्योंकि ये ब्लू था तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि ये इसमें डबल कोट करना चाहिए तो मैंने कर दिया है एंड इसके बाद मैंने इसको रख दिया है एंड कंप्लीट कर लिया है तो इस तरीके से ज़्यादा हाथ में भी नहीं लगा एंड मैं चाहती थी कि मैं एक ही बार में पूरा कंप्लीट कर लूँ क्योंकि इसको ब्रश धोने के लिए बहुत मेहनत लगती है मतलब तारपीन के तेल में धोना पड़ता है ब्रश तो वो चीज़ मैं करना नहीं चाह रही थी बार बार कि मैं एक साइड करूँ या पहले ये करूँ वो करूँ सूख जाए उसके बाद मैं दोबारा करूँ पकड़ के तो इस तरीके से मैंने ये पूरा बॉक्स कंप्लीट किया है तो अंदर कर लिया अंदर के बाद साइड में किया है साइड के बाद आप देख सकते हो बाहर वाली साइड में किया है किनारी छोड़ दी है ता, ताकि मैं इसको पकड़ सकूँ एंड इतना करने के बाद आप देख सकते हो बस थोड़ा सा ही मैंने टच किया इसको और रख दिया है पलट के तो बस ये वाला साइड हमारा रह गया था पीछे वाला वो भी मैंने इस तरीके से करके कंप्लीट कर लिया है तो बिना हाथ में लगे और बिना आ, मतलब रुके क्योंकि आ, इसको सूखने में भी टाइम लगता है तो मैंने एक बार में ही सारा फिनिश कर लिया है एंड एक दिन के बाद ये ड्राई हो गया है तो अब मैं इसमें आ, कुछ बना रही हूँ मतलब जो भी फर्स्ट एड में होता है जो भी सिम्बल्स होते हैं तो यहाँ पर मैं प्लस का साइन बना दे रही हूँ और क्योंकि ये ऑयल पेंट था तो इसमें पेंसिल अच्छे से नहीं हो रही थी मतलब चल नहीं रही थी बट फिर भी थोड़ा थोड़ा सा मैंने मार्क कर लिया ताकि मुझे पेंट करने में आसानी हो तो चलिए पहले मैं ये पूरा राइट कर लेती हूँ जो भी मुझे यहाँ पर लिखना है एंड उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या राइट किया है थोड़ा थोड़ा सा ही विजिबल हुआ था ज़्यादा नहीं दिख रहा था क्योंकि पेंसिल इसमें चल ही नहीं रही थी एंड एक जो वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर रखा है हाउ टू मेक फर्स्ट एड बॉक्स फॉर स्कूल प्रोजेक्ट वो वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा चला है एंड शॉर्ट तो उसका काफ़ी ज़्यादा चल रहा है एंड मुझे उसमें कमेंट्स भी आते हैं कि ये बहुत ही हेल्पफुल रहा तो मुझे अच्छा लगता है एंड मैं चाहती हूँ कि आ, सिर्फ एक ही क्यों ना अगर मोबाइल बॉक्स आपके पास नहीं है तो आप और भी कई चीज़ों से बना सकते हैं लाइक शू बॉक्स जो होता है शू बॉक्स से भी आप बना सकते हैं एंड अगर इस तरीके के कोई प्लास्टिक के डब्बे या फिर जैसे मैंने आपको टीन बॉक्स सिखाया तो ऐसा कुछ भी है आपके पास तो आप उससे भी रेडी कर सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा बहुत सा विजिबल हो रहा था जो भी मैंने लिखा है एंड इसके बाद मैंने रेड कलर ले लिया है एंड ये भी ऑयल पेंट ही है तो छोटी छोटी डब्बियाँ एंड मैं इसके लिए पर्सनली ख़रीद के नहीं लाई थी मतलब मैं क्राफ्ट करती रहती हूँ तो कुछ ना कुछ होता रहता है तो इस वजह से मेरे पास ये दोनों ऑयल पेंट्स रखे हुए थे वाइट एंड रेड तो मैंने वही यूज़ कर लिया है आप चाहें तो एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आ, जैसे मैंने मोबाइल बॉक्स में किया है आ, अगर आप स्कूल के लिए दे रहे हैं तो आप वाइट पेपर या फिर रेड वाला टेप आता है इलेक्ट्रिक वाला वो यूज़ कर सकते हैं या फिर रेड नेल पेंट हो वो यूज़ कर सकते हैं एक्रेलिक कलर्स का यूज़ कर सकते हैं तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप थोड़ा सा दिमाग लगा के फर्स्ट एड बॉक्स रेडी कर सकते हैं तो ये वाला तो आपको जैसे मैंने बताया कि मैं ये अपने घर के लिए रेडी कर रही हूँ क्योंकि मैं इसी में अपना जो भी मेडिसिन वगैरह होती हैं तो रखती हूँ फर्स्ट एड बॉक्स मेरा यही है तो मैंने सोचा चलो इसको रेडी कर लेती हूँ और रेडी कर ही रही हूँ तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ मे भी आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगे तो जो कुछ भी मैंने बनाया था जो कुछ भी लिखा था उसको कंप्लीट कर लिया है एंड यहाँ पर किनारी में मैंने सोचा था सिर्फ जो उभार वाला पार्ट है उसको करूँगी फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा बाहर की साइड किया फिर जो अंदर की साइड बचा था वो भी कर लिया तो किनारी इस तरीके से कंप्लीट कर ली अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप सिंपल लाइन ड्रॉ कर लीजिए और उसको मतलब इतना कल कर लीजिए रेड uh, से एंड uh, यहाँ पर जैसे हम सामने अलमीरा में रखेंगे या रैक में रखेंगे कहीं भी रखेंगे तो सामने से भी इसमें प्लस का साइन दिखाई दे इसलिए मैंने थोड़ा सा एक तरफ आगे की तरफ वो भी कर लिया है एंड ढक्कन uh, में थोड़ी सी अभी uh, मतलब मिस्टेक हुई है मैं आपको दिखाऊंगी क्या है हो सकता है आपने नोटिस किया हो एंड यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो रख लेते हैं तो डिटॉल रख लिया है मैंने कुछ मेरे पास ट्यूब्स वगैरह हैं वो रख लिए हैं एंड कॉटन पट्टी है थर्मामीटर है, थर्मा है बैंडेज हैं जो भी मेरे पास जो भी रखा हुआ था वही मैं सेट करके रख रही हूँ यहाँ पर एंड स्कूल के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जो कि मैंने पहले बनाया है एंड वो वाला काफ़ी हेल्पफुल भी रहा है लोगों के लिए आप लोगों के लिए तो आप देख सकते हो एंड यहाँ पर आयोडिक्स रख लिया है मैंने एंड इन्हेलर रख रही हूँ ओ का पैकेट है विक्स है बेपोरब वाला एंड ये कुछ मेडिसिन तो ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ जनरली फ़र्स्ट एड में तो चलिए ये हमारा हो गया है फर्स्ट एड बॉक्स तैयार एंड अगर आप शू बॉक्स से बना रहे हैं तो आप उसमें पार्टीशन भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ऊंचाई इसकी नहीं है तो इसलिए मैंने इसमें पार्टीशन नहीं किया है एंड ढक्कन में मैंने आपको दिखाया कि जो ओपन करने वाला पार्ट था वो उल्टा हो गया उल्टा क्या हो गया मतलब मैंने उल्टी साइड लिख दिया इसलिए वो उल्टा लग रहा है अदरवाइज़ दोनों साइड जब था ना एक साइड टूटा था वो मैंने हटाया है अगर दोनों साइड होता तो ये उल्टा नहीं लगता बट एक साइड मैंने उसको कट कर दिया क्योंकि वो टूटा हुआ था तो अगर आपका भी कुछ ऐसा है तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि किधर से आप लिखोगे तो किधर से ये थोड़ा सा सीधा लगेगा बस यही चीज़ मुझे थोड़ी सी नहीं अच्छी लगी बाकी फ़र्स्ट एड मुझे बहुत ही पसंद आया आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा आप भी अपने घर में फ़र्स्ट एड किट किस तरीके से बनाए रखे हैं मतलब कौन सा डब्बा आपने बनाया हुआ है तो आप उसको प्रॉपरली कर सकते हैं जैसा कि मैंने कर लिया है एंड ये मेरा ऑलवेज वाला फर्स्ट एड बॉक्स है उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलती हूँ अपने किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू एंड इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ टिल देन बाय बाय टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग